हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक और आज इस वीडियो में ग्रेविटेशन फोर्स की बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में फोर्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए थे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको रेगुलर एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे जिससे एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छा फायदा होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट नोटिफाइड। ग्रेविटेशन ये हम सभी के लिए वेल नोन टर्म है। आपने भी साइंटिस्ट न्यूटन का नाम और ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में इसके पहले सुना ही होगा। ग्रेविटेशन की खोज के लिए जिनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है वो है साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। इन्होंने जो ग्रेविटेशन फोर्स की डिस्कवरी की थी उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक दिन न्यूटन ने पेड़ से गिरता हुआ एप्पल देखा और उनके मन में विचार आया कि यह एप्पल अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता था। हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने के पीछे क्या वजह हो सकती है? इसका मतलब अर्थ के पास कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स है जो यूनिवर्स की सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेटर ही थॉट, कैन दिस फोर्स एक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट्स लाइक सन और अदर प्लैनेट्स जो अर्थ से काफ़ी दूर है? इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह एप्पल और अर्थ सेंटर के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस है, सो एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो गेटिंग अप्लाइड ऑन मून। मून के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव होता है। ग्रेविटेशन फोर्स इज यूनिवर्सल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड बाय अर्थ एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये थी ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में एक बेसिक आइडिया। ये हमारा साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ कवर करेंगे और इस चैप्टर के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जिसके लिंक आई बटन में अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो के साथ एक एक करके ग्रेविटेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके ओपिनियंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए जिससे हम कॉन्टेंट को और डेवलप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।